Hello students, in this video today we will see the first lesson from grammar and the name of our lesson is describing words or adjectives जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो students, सबसे पहले हम सीखेंगे कि describing words क्या होता है। Describing words are words that tell something about a noun. Describing word शब्द वो है जो संज्ञा के बारे में बताता है। We call them adjectives also. हम उन्हें विशेषण भी कहते हैं। तो students, describing words को हम लोग कुछ example की मदद से समझेंगे। यहाँ first example है a fat girl. तो students, यहाँ fat describing word है, क्योंकि यहाँ फैट किसकी विशेषता बता रहा है स्टूडेंट्स, तो गर्ल की। तो बच्चों, यहाँ पर फैट जो है वो गर्ल की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है ए थिन बॉय। तो बच्चों, यहाँ थिन डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि यह बॉय की बारे में बता रहा है कि वह कैसा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए न्यू कार। तो यहाँ न्यू डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और लास्ट एग्जाम्पल है एंड ओल्ड हॉट। तो यहाँ पर ओल्ड जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग कुछ वर्ड्स और उसके अपोजिट्स को सीखेंगे। B-I-G, बिग। बिग मीन्स बड़ा। इसका अपोजिट होगा SMALL, स्मॉल मीन्स छोटा। FAT, फैट। फैट मीन्स मोटा। THIN, थिन। थिन मतलब पतला। HOT, हॉट मीन्स गर्म। COLD, कोल्ड मीन्स ठंडा। TALL, टॉल मीन्स लंबा। SHORT, शॉर्ट मीन्स छोटा। SAD, सैड मीन्स दुखी। HAPPY, हैप्पी मीन्स खुश। DRY, ड्राई। ड्राई मीन्स सूखा। WET, वेट। वेट मीन्स गीला। OLD, ओल्ड मीन्स बूढ़ा। YOUNG, यंग। यंग मीन्स युवा। SOFT, सॉफ्ट मीन्स मुलायम। HARD, हार्ड मीन्स कठोर। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड बॉक्स को देखेंगे, वर्ड्स और अपोजिट्स। RICH, रिच मीन्स अमीर। POOR, पुअर मीन्स गरीब। NEW, न्यू मीन्स नया। OLD, ओल्ड मीन्स पुराना। FIRST, फर्स्ट मीन्स पहला। LAST, लास्ट मीन्स अंतिम। RIGHT, राइट मीन्स दाएं। LEFT, लेफ्ट मीन्स बाएं। GOOD, गुड मीन्स अच्छा। BAD, बैड मीन्स बुरा। CLEAN, क्लीन मीन्स साफ। DIRTY, डर्टी मीन्स गंदा। WHITE, वाइट मीन्स सफ़ेद। BLACK, ब्लैक मीन्स काला। LOVELY, लवली मीन्स सुंदर। UGLY, अगली मीन्स बुरा। अब हम लोग पेज नंबर 56 में देखेंगे। राइट व्हाट यू सी इन इस पिक्चर। आप यहाँ प्रत्येक पिक्चर में क्या देख सकते हैं उन्हें नीचे दिए गए डैश में लिखें। यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करें। फर्स्ट है
ए डैश गर्ल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पिक्चर में गर्ल कैसी है, तो गर्ल लंबी है यानी कि टॉल। तो हमारा आंसर होगा ए टॉल गर्ल, ए टॉल गर्ल। इसी तरह पिक्चर देखकर आपको हर डैश को कंप्लीट करना है। सेकंड है ए डैश बॉय। तो सेकंड पिक्चर में लड़का कैसा है बच्चों, तो शॉर्ट है, तो आपका आंसर होगा ए शॉर्ट बॉय। थर्ड है ए डैश बर्ड। तो स्टूडेंट्स बर्ड कैसा है पिक्चर में, ब्लैक है, तो आंसर होगा ए ब्लैक बर्ड। फोर्थ है ए डैश ट्री। तो स्टूडेंट ट्री कैसा है, बड़ा है, तो आंसर होगा ए बिग ट्री। फिफ्थ में है ए डैश लेडी। तो फिफ्थ पिक्चर में लेडी कैसी दिख रही है स्टूडेंट्स, रिच दिख रही है, तो आंसर होगा ए रिच लेडी। सिक्स है ए डैश शर्ट। तो सिक्स पिक्चर में शर्ट कैसा है, गीला है, तो क्या होगा आंसर, ए वेट शर्ट। सेवेंथ है ए डैश चाइल्ड। सेवेंथ पिक्चर में बच्चा कैसा है, लवली है, तो आंसर होगा ए लवली चाइल्ड। एट्थ है एन डैश फेस। तो एट्थ पिक्चर में लेडी कैसी है, अगली है, तो आंसर होगा एन अगली फेस। नाइन्थ है एन डैश मैन। तो नाइन्थ पिक्चर में मैन कैसा है, ओल्ड है, तो आंसर होगा एन ओल्ड मैन। टेंथ है ए डैश ड्रिंक। तो टेंथ पिक्चर में ड्रिंक कैसा है, कोल्ड है, तो आंसर होगा ए कोल्ड ड्रिंक। एलेवेंथ है ए डैश फ्लावर। तो एलेवेंथ पिक्चर में फ्लावर कैसा है, रेड है, तो आंसर होगा ए रेड फ्लावर। ट्वेल्थ है ए डैश टीचर। तो ट्वेल्थ पिक्चर में टीचर कैसी है, गुड है, तो आंसर होगा ए गुड टीचर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम यही स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।